Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to talk about MOSFET. So this is a very important topic. इसके previous lecture में हमने discuss किया था JFET के बारे में, और उसमें drain characteristic और transfer characteristic, ये सारी चीज़ें हमने discuss कर ली थी इसके पिछली वीडियो में. तो चलिए आज discuss करते हैं MOSFET को. तो इसमें हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी उससे, जैसा कि JFET में हमने देखा था ड्रेन में और ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स में. तो MOSFET के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे. MOSFET, तो MOSFET का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले MOS, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपके लिए ज़रूरी है कि इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको देख के ही इसको देखें, अदरवाइज ये समझ में आएगा नहीं और ये वीडियो फिर आपके लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं रहेगी. तो ज़रूरी है कि इसके पहले वाला वीडियो जो JFET है उसको पहले आप देख लें, क्योंकि वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से चलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. MOSFET को हम एक और नाम से जानते हैं, इंसुलेटेड गेट. इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट फिट. तो गेट यहाँ इंसुलेटर के ऊपर लगा होता है, इसलिए भी हम इसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं. तो ये दो टाइप का होता है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है. एक तो डिप्लीशन MOSFET, डिप्लीशन MOSFET, और दूसरा है आपका इन्हांसमेंट MOSFET, इन्हांसमेंट MOSFET, इन्हांसमेंट MOSFET. अब ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप MOSFET और पी चैनल इन्हांसमेंट टाइप MOSFET. और डिप्लीशन टाइप MOSFET में दो टाइप के MOSFET पाए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका डी MOSFET और दूसरा है ई MOSFET. ई MOSFET. तो चूँकि ये वाला MOSFET जो डी MOSFET है वो डिप्लीशन टाइप से काम करता है, इसलिए इसको डिप्लीशन MOSFET बोलते हैं, और ये इन्हांसमेंट टाइप से भी वर्क करता है इसलिए इसको ई MOSFET बोलते हैं. तो डिप्लीशन MOSFET एक तरह का MOSFET है जिसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, और डी MOSFET में फिर फर्दर दोनों में उसी तरीके से डिविज़न हो सकता है, जैसे एन चैनल डी MOSFET और पी चैनल डी MOSFET. एन चैनल डी MOSFET और पी चैनल डी MOSFET, पी चैनल डी MOSFET. उसी तरीके से इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एन चैनल और करिस्पॉन्डिंग इधर पी चैनल ई MOSFET. अब ये ई MOSFET और ये इन्हांसमेंट MOSFET में अंतर है, ये डिप्लीशन MOSFET ही होता है लेकिन उसमें दोनों तरीके से वर्किंग हम करा सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि गेट को हम किस तरह की बायसिंग देते हैं, तो उस हिसाब से हमारा डी MOSFET या ई MOSFET की तरह काम करता है डिप्लीशन MOSFET. तो ओरिजिनली अभी तक हम ये लोग ये समझे हैं कि MOSFET दो तरीके का होता है, डिप्लीशन और इन्हांसमेंट. डिप्लीशन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, एक डी MOSFET और दूसरा ई MOSFET. और डी MOSFET फिर फर्दर
दो चैनल में, एन चैनल पी चैनल, और उसी तरह से ई को भी हम डिवाइड कर सकते हैं एन चैनल और पी चैनल में। इन्हांसमेंट मेथड को भी हम उसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट और पी चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट। तो वन बाय वन हम सारा डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा टॉपिक लंबा है, हो सकता है कवर हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट में बाकी चीज़ें कवर होंगी, तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें इसी में कवर हों। तो पहला पार्ट में हम डी मॉस्फेट ही करते हैं, उसके बाद इन्हांसमेंट देखेंगे। तो डी मॉस्फेट में हम एन चैनल को देखेंगे, एन चैनल मॉस्फेट, उसी की वर्किंग और उसी के लिए कैरेक्टरिस्टिक। बाकी पी चैनल आप उसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो पहला डिप्लीशन मॉस्फेट, डिप्लीशन मॉस्फेट। तो इसका सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लेते हैं, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एन चैनल को, स्पेशली एन चैनल को। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो इसमें पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं, पी टाइप का सबस्ट्रेट होगा, पी टाइप सबस्ट्रेट मतलब एक तरीके से पी टाइप का मटेरियल, और फिर इसमें एक लेयर आती है SiO2 की, जो इंसुलेटर टाइप की है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर, और यहाँ से हम टर्मिनल निकाल सकते हैं सोर्स के लिए, और फिर और ये एक एल्युमिनियम के ऊपर होता है, और यहीं पे हम डोपिंग करा देंगे हैवी डोप्ड एन रीजन से दोनों साइड से एन रीजन, और यहाँ भी एक टर्मिनल। ड्रेन और ये सोर्स की तरह वर्क करेगा। तो जैसा उसमें था, उसके पहले वाले जेफेट में, सेम उसी तरीके से प्रोसेस इसमें भी है। और यहाँ हम गेट ले लेंगे, गेट, और ये भी एल्युमिनियम के ऊपर ही होगा, तो एक एल्युमिनियम की पतली से लेयर होगी, उसके ऊपर हम गेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे होगा गेट। तो इस तरीके से पी टाइप जो सबस्ट्रेट है वो लूजली, और ये होगा आपका हैवीली डोप्ड रीजन। तो इस टाइप को बोलेंगे हैवीली डोप्ड रीजन। तो पी टाइप का सबस्ट्रेट में हम एन टाइप की डोपिंग कराएंगे, और दोनों एंड से हम एक तरफ सोर्स टर्मिनल ले लेते हैं और दूसरे तरफ ड्रेन टर्मिनल लेंगे, और इसके बीच में एक पतला सा चैनल बनता है, एन चैनल। तो इसकी बायसिंग थोड़ा सा समझेंगे, कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे ही है, और अगर इसका सिंबल बनाना चाहें तो सिंबल बड़ा आसान है, हमने डिस्कस किया था इसके पहले भी वीडियो में। गेट टर्मिनल होगा, और दूसरा गेट, यहाँ पे ड्रेन और इधर सोर्स, इस तरह से गेट। अलग अलग बुक में थोड़ा सा सिंबल अलग अलग मिलेगा, तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका एन चैनल है,
एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो अब इसकी बायसिंग देखते हैं हम। तो बायसिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा हमने जेफेट में किया था, गेट और सोर्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे और VDS के बीच हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि हमेशा हम सोर्स वाले पोर्शन को फॉरवर्ड में रखते हैं, तो फॉरवर्ड ये तब होगा जब हम इसको निगेटिव से ऐड करेंगे और इधर पॉजिटिव से, तो ये हमारा फॉरवर्ड हिस्सा होगा। अब जब हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, ड्रेन सोर्स वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला निगेटिव यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एन वाले रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये एन चैनल है, इसमें भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये एन चैनल है। तो ये निगेटिव पोलरिटी क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी और ये चैनल से होते हुए इधर आएगा। तो जिस समय गेट सोर्स वोल्टेज हम नहीं भी लगाएंगे, यानी जीरो वोल्ट भी होगा, तब भी VDS के बढ़ाने से हमें कुछ करंट मिलती है। VDS को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इस तरह से, तो हमें करंट मिलती है जिसको हम बोलते हैं ड्रेन करंट। तो ड्रेन करंट हमें तब भी मिलेगी जब VGS की वैल्यू ज़ीरो होगी, कुछ इस तरीके से जैसा वहाँ पे था, सेम वैसे ही है। VGS की वैल्यू ज़ीरो, VGS की वैल्यू ज़ीरो। तो कंस्ट्रक्शन में अंतर है, नहीं तो डिप्लीशन मॉसफेट में और जे मॉसफेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो करंट हमें मिलेगी यहाँ पे शुरू में कुछ ओम्स के लॉ के थ्रू मिलेगी, बाद में फिर जैसे जैसे हम गेट सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो जब हम निगेटिव वोल्टेज देंगे गेट को, यहाँ पे गेट है, तो अब हम गेट को बढ़ाते हैं, गेट सोर्स वोल्टेज को जैसे जैसे हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे, तो गेट को देते हैं निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव VGS। तो जैसे जैसे हम गेट को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, यानी एन चैनल वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाएगा और एक तरीके से और होल्स को ये अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव टर्मिनल अगर गेट को हम दे रहे हैं तो क्या होगा कि पी टाइप सबस्ट्रेट में होल्स हैं बहुत ज़्यादा, होल्स की मेजॉरिटी है, तो होल्स को वो अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन जो एन चैनल में दिख रहे थे, यही हमारा चैनल होता है, तो इस चैनल में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, इस चैनल वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन चैनल से दूर जाएंगे और होल्स चैनल की तरफ आएंगे। तो फाइनली क्या होगा कि यहाँ से चैनल की विड्थ रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, चैनल की विड्थ रिड्यूस होनी शुरू होगी, तो कुछ इस तरीके का क्रिएट होने लगेगा, कुछ ऐसा इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे और होल्स अट्रैक्ट होंगे चैनल की तरफ, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो होल्स को वो अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, तो हमारे चैनल की विड्थ जो है वो रिड्यूस होगी। और जैसे जैसे चैनल की विड्थ रिड्यूस होती है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब कि करंट अब हमारी डिक्रीज करेगी, यानी जैसे जैसे हम गेट सोर्स वोल्टेज को निगेटिव रखेंगे तो हमारी जो करंट का ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से, यानी ID की वैल्यू डिक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलती है VGS पे, जो हमें IDSS वैल्यू देता है। उसके बाद जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू निगेटिव में बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए -1 वोल्ट, ये हो गया गेट सोर्स वोल्टेज -2 वोल्ट और ये -3 वोल्ट, इस तरीके से ये घटता जाएगा इस तरीके से। तो शुरू में जो यहाँ से यहाँ तक का रीज़न है वो करीब करीब ओम्स लॉ के हिसाब से बढ़ता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट हमें मिलती है। तो इस रीज़न को बोलते हैं ओमिक रीज़न, इस रीज़न को बोलते हैं ओमिक रीज़न, यानी ओम के नियम का पालन जहाँ पे होता है ओमिक रीज़न। और इसके बाद वाले प्रोसेस को बोलते हैं सैचुरेशन रीज़न,
इस रीज़न को सेचुरेशन रीज़न, जहाँ पे हमारे VDS बढ़ाने का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, करंट हमारी कॉन्स्टेंट होती है या सेचुरेट कर जाती है इस तरह से। और इसको हम और बढ़ा सकते हैं -4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो इससे हमें एक कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगता है कि VGS को हम कितना कम दें, VGS की वैल्यू कितनी निगेटिव रखें कि करंट हमारा ID ज़ीरो हो जाए। अगर हम एक लास्ट देखें कि इधर की तरफ या और नीचे, यानी VGS की वैल्यू -6 या -7 पे हमें दिख रहा है कि ID की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, यानी एट VGS इक्वल टू 7 वोल्ट, नियरली 7, -7 वोल्ट, -7 वोल्ट पे ID की वैल्यू ज़ीरो है, यानी यही VGS की वैल्यू किसका वर्क कर रही है, VGS ऑफ। यही वैल्यू क्या है, VGS ऑफ है या कट ऑफ है। तो ये था कुछ ड्रेन करेक्टरिस्टिक इसका, अगर हम या डी मॉसफेट का ड्रेन करेक्टरिस्टिक, अगर हम जैसे जैसे निगेटिव बढ़ाएंगे इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, शुरू में ओमिक रीज़न और उसके बाद सेचुरेशन, ठीक है। अब तो ये जो है और ट्रांसफ़र का जो ग्राफ आएगा, जिस तरीके से ये ड्रेन का है, इसको हम बोल सकते हैं ड्रेन करेक्टरिस्टिक ग्राफ, ड्रेन करेक्टरिस्टिक ग्राफ, ड्रेन करेक्टरिस्टिक। उसी तरीके से अगर हम ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स देखना चाहें तो बिल्कुल सेम होगा उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा ई मॉस्फेट हम डिस्कस कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ड्रेन बिल्कुल सेम ही होगा उसी तरीके से जैसे उसमें था, इस तरह का ग्राफ आएगा इसमें, वहाँ भी यही था, IDSS और यहाँ पे VGS ऑफ, क्योंकि यहाँ क्या है, ID की वैल्यू ज़ीरो है। तो नेचर वाइज सेम ही रहेगा इसमें भी ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक। अब इसको हम इन्हांसमेंट के तरीके से पढ़ते हैं, इन्हांसमेंट में क्या होगा, तो डी मॉसफेट का कुछ वैसा ही है जैसे कि डिप्लीशन मॉसफेट था जेफेट मॉसफेट जिस तरीके से था, उसी तरीके से सेम बिहेवियर रहा इसका, ड्रेन का भी और ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स का भी। यहाँ हम डिफरेंट VDS की वैल्यू ले सकते हैं, VDS को हम डिफरेंट वैल्यू पे कांस्टेंट रखेंगे। तो ड्रेन करेक्टरिस्टिक हमारा बताता है ग्राफ बिटवीन VDS और ID एट कांस्टेंट VGS, और यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ट्रांसफ़र में ID और VGS के बीच, और कांस्टेंट होता है VDS। तो अलग अलग वैल्यू पे हम VDS को कांस्टेंट रखेंगे, अगर हम VDS की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखेंगे तो हमारा VGS ऑफ बहुत ज़्यादा आएगा निगेटिव में बहुत ज़्यादा, और अगर हम थोड़ा कम रखेंगे तो हमें कम VGS लगाना पड़ेगा निगेटिव में, ये होगा IDSS। तो VGS ऑफ की वैल्यू डिपेंड करती है VDS के ऊपर, VGS ऑफ कितना होगा ध्यान दीजिएगा, VGS ऑफ की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करता है VDS पे। जितना ज़्यादा हम VDS लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें करंट को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें गेट सोर्स वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरीके से इसकी पोलरिटी चेंज करते हैं गेट सोर्स की, और तब ये बिहेव करेगा ई मॉसफेट की तरह, तब ये बिहेव करेगा किसकी तरह, ई मॉसफेट की तरह। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके पोलरिटी को बस हम यहाँ पे चेंज कर दें। तो अगर हम गेट को पॉजिटिव देंगे तब क्या होगा, अगर हम गेट को पॉजिटिव देंगे, और एक चीज़ हम बताना यहाँ भूल गए, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक लेयर है बीच में इंसुलेटर टाइप का, और इसी वजह से इसको इंसुलेटेड गेट भी बोलते हैं। और ये ड्रेन सोर्स के लिए एल्युमिनियम की एक परत होती है जिसके ऊपर हम इसको लेते हैं, यानी मेटल जैसा एलिमेंट होगा। तो गेट जो है इसी के जस्ट ऊपर होता है, तो ये इंसुलेटर जैसा मामला है, और ऊपर एक मेटल, ये मेटल जैसा ऊपर एक मेटल और फिर एक इधर, तो ये कुछ उसी तरीके से हो गया कि दो पैरेलल प्लेट के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है SiO2 का डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है। और हम जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जब होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच तो उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है, यानी हमें करंट और अच्छी मिलने वाली है। तो वो इसी चीज़ का यहाँ इस्तेमाल होगा,
बीच में एक इंसुलेटर है और इधर एक एल्युमिनियम की परत और नीचे एन चैनल हमारा, और इन चैनल में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो जब हम रिवर्स बायसिंग करेंगे एक तरह से, तो अगर VGS को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। मान लीजिए कि शुरू में यहाँ पे चैनल था ही, शुरू में इस तरह के का चैनल था, पहले से ऐसा चैनल पहले से ही था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो चैनल की विड्थ बढ़ेगी, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल जब गेट को देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इधर से भी जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन को वो तेज़ी से खींचेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा जो पहले नहीं कर रहा था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे चैनल में, और चैनल की विड्थ भी बढ़ जाएगी, तब हमें ID करंट बढ़ी हुई मिलेगी। तो इन्हांसमेंट इसीलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ ID की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे ID इंक्रीज़ होता है। इस केस में क्या हो रहा है, जब हम ड्रेन पढ़ रहे थे तो VGS की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट रिड्यूस होता है, लेकिन इन्हांसमेंट वाले टाइप में वैल्यू बढ़ती है। तो देखते हैं कि चेंज क्या आएगा इन्हांसमेंट वाले में। इन्हांसमेंट MOSFET में क्या होगा, MOSFET में इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, VGS को हम पॉजिटिव दे रहे हैं, VGS को अगर हम पॉजिटिव देंगे तो मान लीजिए कि ये ज़ीरो वाला ग्राफ है इस तरीके से, VGS इक्वल टू ज़ीरो वोल्ट। तो कुछ ID हमें ये मिला, IDSS, ये वही है VDS, और ये कांस्टेंट VGS। तो ड्रेन करेक्टरिस्टिक हम देखना चाह रहे हैं किसके लिए, MOSFET के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम गेट सोर्स वोल्टेज को ज़ीरो से ज़्यादा करेंगे तो करंट हमें ज़्यादा मिलेगी, ऐसा मतलब VGS इक्वल 1 वोल्ट, उसी तरीके से 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरीके से हमें करंट ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे हमें निगेटिव में इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें पॉजिटिव ही बढ़ाना है। तो जैसे जैसे हम गेट सोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ID इंक्रीज़ होता जाएगा, और इसी का जस्ट अपोजिट था, हम यहाँ निगेटिव देते थे तो इलेक्ट्रॉन कम वहाँ पहुँचते हैं चैनल के थ्रू, तो VGS यहाँ निगेटिव था जैसा डिप्लीशन वाले में हमने देखा था। और ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे इन्हांसमेंट में क्योंकि हमें पॉजिटिव देना है। और इसका ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, VGS में और ID में ग्राफ प्लॉट करते हैं। VGS और ID के बीच ग्राफ प्लॉट होता है, और VDS को हम कांस्टेंट रखते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4, 5, 6, उसके हिसाब से इधर करंट हमें मिल रही है ऐसा ID मिली एम्पियर। तो VGS की वैल्यू यहाँ पे अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था, क्योंकि हम VGS की वैल्यू हमेशा निगेटिव में ले रहे थे और इधर हमारा ID था, यहाँ पे IDSS था, और ये वैल्यू हमेशा निगेटिव में रहती थी क्योंकि हम VGS को निगेटिव लेते थे। यहाँ VGS की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी क्योंकि हम इन्हांसमेंट या MOSFET देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो कट ऑफ हमने निर्धारित किया था उसके हिसाब से हमें करंट मिलनी शुरू होगी। जैसे मान लीजिए कि -2 पे 0 था या -3 वोल्ट पे 0 था या जितने भी था, अगर हम ये माने कि -2 पे 0 था तो ये 1 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट था। तो अगर 2 वोल्ट पे 0 रहा हो तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से, ये है ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे हम VDS को कांस्टेंट रखेंगे किसी भी वोल्टेज पे, ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे कांस्टेंट होगा,
और उसके हिसाब से हमें ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। मान लो VGS कभी हमने यहाँ किया, कभी यहाँ, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से अलग अलग वैल्यू हमको मिलेगी अलग अलग VGS पे, इसके हिसाब से ट्रांसफ़र हमारा मिलेगा। इस तरह से तो अलग अलग वैल्यू पे हम डेटा लेंगे और कुछ ग्राफ इस तरीके का हमको मिलेगा। इसको अगर हम ड्रेन वाले में दिखाना चाहें तो उसी तरीके से दिखा सकते हैं, बस ये वाली वैल्यू यहाँ से इंक्रीज होती दिखेगी, ये वाली। ठीक है, तो कंबाइन अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसी में हम दिखा सकते हैं कि गेट इधर की वैल्यू, जैसे इसको हम हटा के दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ मिलता जुलता हो गया, इन्हांसमेंट में भी ऐसा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा हम डिप्लीशन के साथ इसको कंबाइन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे VGS की वैल्यू इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इधर की तरफ निगेटिव। तो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक हमने देखा है अभी तक कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, तो यही से वैल्यू इधर की तरफ इंक्रीज कर जाएगी इस तरह से। ये IDSS है, जैसे जैसे हम इधर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इधर का नेचर कुछ ऐसा ही बढ़ा हुआ रहेगा। ये IDSS तब है जब VGS की वैल्यू कितनी है, VGS की वैल्यू जब 0 वोल्ट में है, और जैसे जैसे हम निगेटिव की तरफ कर रहे हैं तो ID की वैल्यू घटती जाती है और यहाँ पे ID की वैल्यू हमें मिलती है 0। और इसी वोल्टेज को, इस निगेटिव वोल्टेज को बोलते हैं VGS ऑफ ये कट ऑफ। और तो ये वाला जो रीज़न है ये शो कर रहा है इन्हांसमेंट को, और इधर वाला जो रीज़न है वो शो कर रहा है डिप्लीशन को। ये है इन्हांसमेंट, ये रीज़न इन्हांसमेंट मोड, और ये है डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड वो इन्हांसमेंट मोड हो गया। तो इस तरह से हम दोनों को दिखा सकते हैं, इधर VGS की पॉजिटिव वैल्यू के लिए इन्हांसमेंट की तरह शो करता है और VGS की नेगेटिव वैल्यू के लिए डिप्लीशन टाइप शो करता है, यानी डी MOSFET और इधर के साइड में ई MOSFET। और ये वही है सेम ID ड्रेन करंट हमें मिल रहा है, VGS है, और ये VDS की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, फिर ये ऐसा चेंज हो सकता है कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अलग अलग VDS पे हमें इस तरह का वर्क ग्राफ मिलेगा। जितना कम हम VDS देंगे उतना कम हमें VGS भी लगाना होगा, यानी करंट को कंट्रोल करने के लिए उतना ही कम हमें VGS की वैल्यू या गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो ये था पूरा डी MOSFET और ई MOSFET, कंबाइन बोले तो डिप्लीशन MOSFET। अब हम देखेंगे कि इन्हांसमेंट MOSFET में क्या चेंज है। तो इन्हांसमेंट MOSFET, इन्हांसमेंट MOSFET में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसा उसमें डिप्लीशन टाइप MOSFET में चैनल था, बीच में पहले से ही एक चैनल था, लेकिन इन्हांसमेंट टाइप MOSFET में चैनल बीच में नहीं होता है। ये ऐसा कंस्ट्रक्शन है इसका कि बीच में चैनल नहीं बनाया जाता है। तो इस तरीके के MOSFET में कैसे वर्किंग होगी उसको हम लोग देखेंगे। तो एक बेसिक जो डिफरेंस है डी MOSFET और इन्हांसमेंट MOSFET में, डिप्लीशन MOSFET और इन्हांसमेंट में, वो यही है कि इसके बीच में चैनल नहीं होता, बाकी सारा कंस्ट्रक्शन लगभग उसी तरीके से है। यहाँ भी हम पी टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे, अगर हम एन चैनल की बात करें तो उसी तरीके से पी टाइप का सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट, और इसमें हम डोपिंग कराएंगे एन चैनल्स
एन टाइप से हैवली डोप्ड एन रीजन। तो यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, यानी ये पूरा ही पी है, केवल इस डोप्ड रीजन को छोड़ के ये हैवली डोप्ड होता है, हैवली डोपिंग, हैवली डोप्ड रीजन। ठीक है, तो दो एंड रीजन हम लेते हैं यहाँ से, फिर टर्मिनल हमारा उसी तरीके से होगा जैसे हमने पहले देखा था, सोर्स और इधर से ड्रेन, देन और बीच में, और वो इंसुलेटर वाला हिस्सा भी सेम ही है जैसे वहाँ था, यहाँ भी रहेगा वो, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है जो सेम ही है, और इसके ऊपर फिर एक एल्युमिनियम का, फिर उसके ऊपर गेट, गेट टर्मिनल, चैनल यहाँ पे नहीं है, ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे चैनल नहीं होता है। तो जनरली कोई पूछे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देयर इज़ नो चैनल, इन्हांसमेंट मॉस्फेट में कोई चैनल पहले से नहीं होता, तो इसकी वजह से, और शायद और यही कारण भी है, शायद क्या यही कारण है, क्योंकि ये डिप्लेटेड तरीके से काम नहीं करता, ये केवल इन्हांसमेंट मोड में काम करता है, ये एक ही मोड में काम करता है, और वो है इन्हांसमेंट मोड, मतलब केवल करंट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो चैनल था ही नहीं, जब चैनल नहीं था तो कोई भी करंट मिलेगी ही नहीं, मिल ही नहीं रही थी, जब मिल नहीं रही थी तो गेट सोर्स वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब बढ़ाएंगे तो मतलब है करंट बढ़ेगी, लेकिन घटाने से कोई मतलब नहीं है, तो शुरू में करंट मिली नहीं रही थी तो उसमें रिड्यूस क्या होगा, इसलिए डिप्लीटेड टाइप से ये काम नहीं करता, यह इन्हांसमेंट टाइप से काम करता है। तो देखिए ये कैसे काम करेगा, तो सपोज़ कर लीजिए कि अगर बायसिंग नहीं होगी, अगर गेट सोर्स वोल्टेज नहीं लगाएंगे और ड्रेन सोर्स अगर लगाएंगे केवल, मान लीजिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, हमेशा ध्यान रखेंगे कि सोर्स वाला कनेक्शन फॉरवर्ड और ड्रेन वाला कनेक्शन रिवर्स में, तो कभी भी गलत नहीं होगा। ये हो गया नेगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव, गेट को हमने डायरेक्ट सोर्स ऐड कर दिया है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ से रिपल्सन तो हो रहा है, इधर से अट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन बीच में होल्स हैं और वो यहाँ से कोई चैनल है ही नहीं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करें, तो इस वजह से इस केस में जब VGS 0 होता है तो ID की वैल्यू एट VGS 0 ID की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हमें शुरू में करंट नहीं मिलती है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, VGS को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हमें करंट मिलनी शुरू होती है। तो VGS को बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम ये वाला इंसुलेटर है वही लेयर SiO2 तो जैसे ही हम यहाँ पे गेट सोर्स वोल्टेज देंगे, मान लीजिए कि हम इसको दे रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव से, पॉजिटिव से अप्लाई करेंगे माइनस और यहाँ पे नेगेटिव, तो जब हम पॉजिटिव देंगे गेट को तो क्या होगा, तब ये क्या करेगा कि यहाँ से जो होल्स हैं जंक्शन के पास जितने भी होंगे, यहाँ पे जंक्शन नहीं बोलेंगे, इस एंड के पास जितने भी होल्स होंगे उनको वो रिपल करना शुरू करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाला होल्स को डिफ्लेक्ट करेगा, तो एक तरीके से होल्स नीचे की तरफ भागने, एक तरह से नीचे की तरफ मूव करेंगे, रिपल हो जाएंगे सारे होल्स और एक चैनल इंड्यूस होना शुरू होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी जाएगी और ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव वाला किसको, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, गेट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स द गेट अट्रैक्ट होंगे और होल्स जो है वो, जो होल्स हैं वो सबस्ट्रेट की तरफ जाएंगे, यानी नीचे की तरफ जाएंगे, तो एक इंड्यूस हो जाएगा चैनल यहाँ पे, इंड्यूस चैनल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये पहले से चैनल तो था नहीं, ये क्रिएट किया गया गेट सोर्स वोल्टेज के द्वारा, इसलिए इसको इंड्यूस चैनल बोलते हैं, इंड्यूस चैनल क्योंकि ये पहले से नहीं था, ये कराया गया इंड्यूस चैनल। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ये जो है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा और होल्स का रिपल्सन होगा, और धीरे धीरे यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा,
जब चैनल क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का आना शुरू हो जाएगा, फिर गेट जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से, फिर यह बिल्कुल ई मॉसफेट की तरह काम करेगा जो डिप्लीशन टाइप था। अभी अभी हमने जो डिप्लीशन टाइप का ई मॉसफेट पढ़ा है, ई मॉसफेट ये बिल्कुल उसी की तरह फिर बिहेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेम सिचुएशन आ जाएगी, हम प्लस देंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट होगा और फिर आसानी से यहाँ तक पहुँचेगा और हमें ड्रेन करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। तो इसका ग्राफ फिर कुछ उसी तरीके से जाएगा जैसा हमने उसमें देखा था, ड्रेन करेक्टरिस्टिक अभी पीछे भी वही हमने बनाया था, सेम ही आएगा। VDS VGS पे आपका मान लीजिए इतना है, VGS इक्वल टू जीरो वोल्ट, VGS इक्वल जीरो वोल्ट, और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे VGS इक्वल टू वन वोल्ट, तो ये ID हमारा इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से हमें मिलेगा इस तरह, ठीक है। 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इसके करस्पॉन्डिंग हमें ID इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता जाएगा। इसके ट्रांसफ़र की बात करें तो हमें एक आइडिया लगेगा कि ये ज़ीरो है, VGS ज़ीरो, और मान लीजिए कि VGS जब ज़ीरो था तो ID कुछ, लेकिन इस मोड में तो गेट सोर्स वोल्टेज जब ज़ीरो होगा तो करंट यहाँ मिलेगी ही नहीं, करंट नहीं मिलेगी, तो उस केस में ID हमारा ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा, या कुछ करंट अगर मिलेगी भी तो माइनॉरिटी की वजह से कुछ करंट मिल सकती है, तो लेकिन यहाँ लगभग अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में शुरू में चैनल ही नहीं होता है, गेट सोर्स की वजह से ही तो चैनल क्रिएट होता है, गेट सोर्स वोल्टेज की वजह से चैनल क्रिएट होता है और उसके बाद ही हमें करंट मिलनी शुरू हो गई थी। ये ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा और ऐसे रहना चाहिए, VGS ज़ीरो ऐसे, और फिर ट्रांसफ़र वाला वही ग्राफ है जो हमने जस्ट इसके पहले बनाया था, हम पॉजिटिव देंगे और उसके हिसाब से ड्रेन करंट हमें बढ़ती हुई मिलेगी इस तरीके से जो था वहाँ पे। और जिस वैल्यू पे हमें करंट मिलनी शुरू होगी, जैसे जब हम VGS को बढ़ाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 1 वोल्ट पे ना मिले, 2 वोल्ट पे मिले या 3 वोल्ट पे मिले या 4 वोल्ट, ये VGS है इधर की तरफ VGS और इधर है ड्रेन करंट हमारा ID, ड्रेन करंट ID। तो सपोज़ करिए कि VDS की वैल्यू हमारी जो भी रही हो और अगर हम VGS को वोल्टेज दे रहे हैं, अगर वो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या 4 वोल्ट जिस पे भी हमें करंट मिलना शुरू हुआ उसके हिसाब से ग्राफ हमारा ऐसा आता है। VDS को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, ये इसका कट ऑफ 2 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है, 4 वोल्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि VDS की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है। VDS कॉन्स्टेंट है वो कितने वोल्टेज पर है उस पर डिपेंड करता है कि VGS को बढ़ाने पर कितना हम VGS देंगे कि हमें करंट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये है इन्हांसमेंट मोड का कर्व, इन्हांसमेंट मोड जो हमें दिख रहा है, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक। तो दोनों ही वीडियो जो इसके पहले वाला था और ये वाला था दोनों एक ही जैसा है, और अगर दोनों को एक साथ कर पाएंगे मिक्सअप करके तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है हर जगह, चाहे एग्ज़ाम में या फिर एकेडमी लेवल पे ले लें, ग्रेजुएशन में या फिर एंट्रेंस लेवल पे, हर जगह पूछा जाता है ये, चाहे पोलरिटी से मामला हो, चाहे इधर से हो, चाहे ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स या ड्रेन करेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ड्रेन में 3 पैरामीटर भी थे जो डिस्कस किया गया था पिछले टॉपिक में, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ, थैंक यू सो मच।